ज्योतिष रत्न लाइव के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा, मेरी ओर से भी आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मित्रों आज हम आपके सम्मुख 12 राशियों का राशिफल, जो साप्ताहिक राशिफल जिसको हम कहते हैं, वह लेकर आए हैं, उनकी चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं। और यह जो साप्ताहिक राशिफल है मित्रों 24 जून से लेकर के और 30 जून तक का है। हम आपको मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक क्रमशः एक एक करके सारे राशियों का राशिफल इस सप्ताह का पेश करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। सबसे पहले आपके साथ चर्चा करेंगे व्यवसाय को लेकर के मेष राशि के। आइए जानते हैं कैसा रहने वाला है यह सप्ताह आप 12 राशियों के लिए। इस सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में हालात कुछ तनावपूर्ण रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। आपका अपना मन भी कार्य में नहीं लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ आपको विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभप्रद भी रहेगा। वित्तीय स्थिति, आय के स्रोत बने रहेंगे, धन का संचय विशेष रूप से कर पाएंगे और सुख सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंधों में विचारों में समरूपता नहीं रहेगी। वैवाहिक व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से मधुर और सुखमय और प्रसन्न रहेगा। संतान संबंधित परेशानियां बनेंगी एवं उनकी शिक्षा भी आपको यहां पर प्रभावित होती नजर आएगी। आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा बहुत प्रभावित अवश्य रहेगा। वृषभ राशि के व्यवसाय के विषय में बात करते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके जो अपने सहयोगी हैं या वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके साथ आप किसी वाद विवाद में अगर ना पड़ें या कठोर शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल ना करें, प्रयोग ना करें और धैर्य से कार्य करें, तो यह अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो परिस्थितियां आपके अनुकूल ही रहेंगी। अगर आपने इन चीज़ों को इग्नोर किया, लापरवाही बरती, तो आपके लिए निश्चित रूप से यहाँ परिस्थिति तनावपूर्ण बन सकती है। वित्तीय स्थिति, आय के साधन तो अच्छे प्रकार से रहेंगे, बने रहेंगे, लेकिन कहीं आप अपना संचय किया हुआ जो धन है उसको किसी ऐसी जगह पर व्यय ना कर दें जिसका आपको लाभ ही प्राप्त ना हो। सोच समझ करके धन का व्यय करें। आगे बात करते हैं आपसे प्रेम संबंधों के विषय में मित्रों। आपके ग्रहों की स्थिति को अगर देखें तो उनके अनुसार आप अपने प्रेम संबंधों में तो रहने वाले हैं, लेकिन प्रेम से ज्यादा एक दूसरे पर आरोप एवं प्रत्यारोप भी लगेंगे। विवाहित जो व्यक्ति हैं उनके अपने पार्टनर के स्वास्थ्य के प्रति उनको सचेत रहना चाहिए। स्वास्थ्य उनके पार्टनर का यहाँ पर प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। संतान, सप्ताह के आरंभ में तो संतान संबंधित चीज़ों को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे, मगर बाद में स्थिति ठीक इसके विपरीत बनेगी। स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा इस सप्ताह, निश्चित रहिएगा। मिथुन राशि, व्यवसाय, सप्ताह के प्रारंभ में आपके व्यवसाय यानी कार्य क्षेत्र में काफ़ी उत्साहजनक परिणाम रहेंगे, लेकिन सप्ताह के शेष दिनों में भी परिस्थितियां आपके अनुकूल ही रहने वाली हैं, निश्चिंत रहिए। वित्तीय स्थिति, आय के स्रोत तो बनेंगे, धन का आगमन पूर्ण रूप से रहेगा, विशेषकर सप्ताह के मध्य में परिवार से भी आप अपना जो आपका परिवार है, माता पिता जिनको कहते हैं घर में, सब पूरा परिवार होता है, उससे भी आपको यहाँ पर आर्थिक लाभ की प्राप्ति होने के योग बने हुए हैं। प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास रहेगा तथा एक दूसरे के प्रति आप समर्पित रहेंगे। यह समय आपके विवाह के लिए भी उपयुक्त रहेगा मित्रों। विवाहित व्यक्तियों को अपने संबंधों में तकरार जैसी स्थिति से बचने के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। संतान, इस अवधि में आपकी संतान के द्वारा अपनी शिक्षा संबंधित बहुत ही उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बहुत अच्छी प्रकार से बच्चों की आपके एजुकेशन चलेगी सक्सेसफुल्ली। संतान हो गया, इसके बाद आएंगे स्वास्थ्य पर। पेट संबंधित वायु विकार या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या आपके लिए बन सकती है इस सप्ताह, कृपया सचेत रहें। कर्क राशि, व्यवसाय, सप्ताह के मध्य में आपको उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं और आप अपने कार्य क्षेत्र से ही संबंधित कार्य को लेकर विदेश यात्रा पर जाने का भी योग है आपका, जा सकते हैं। हालांकि इस यात्रा के दौरान आपके कार्यों में कुछ रुकावटें भी अवश्य आएंगी, ऐसा नहीं है कि बहुत
काम आसानी से हो जाएगा, काफ़ी रुकावटों का भी सामना यहाँ पर आपको, परेशानियाँ भी आएंगी बीच में छोटी मोटी, उनका भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वित्तीय स्थिति, आय के अच्छे साधन बनेंगे मगर आपको अपने अनावश्यक खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंध, इस अवधि में आपके अपने प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग नहीं है मित्रों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों में दोनों प्रकार की स्थिति बनेगी, कभी प्यार कभी तकरार। संतान, आपको अपनी संतान के द्वारा उनके शिक्षा प्राप्ति को लेकर परिणाम अच्छे रहेंगे, बीच बीच में कुछ अवरोध की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, उससे इनकार नहीं कर सकते। स्वास्थ्य, इस दौरान आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। सिंह राशि। व्यवसाय, आपके व्यवसाय को लेकर आपका यह समय बहुत ही उत्तम चल रहा है सिंह राशि वालों का मित्रों, आपको देश और विदेश में उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जहाँ भी आप कार्यरत हैं, जिस जगह भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ भी आपका प्रभुत्व पूर्ण रूप से छाया रहेगा। वित्तीय स्थिति, जो भी आय आपको होगी आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कहीं ऐसी जगह पर आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे धन का व्यय ना हो कर दें, जिससे कि आपको दूर दूर तक भी उसका लाभ प्राप्त होना तो दूर की बात है, उल्टा आपका पैसा ना फंस जाए, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्ति के योग बिल्कुल नहीं है इस सप्ताह मित्रों, बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी आपका अधिकतम समय तो आपके अपने कार्यों में ही व्यतीत हो जाएगा, ये सप्ताह बहुत बिजी रहने वाले हैं आप। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। संतान, विघ्न एवं बाधाओं के बावजूद भी आपकी अपनी संतान शिक्षा प्राप्ति में अपने को ऊपर ही रखेगी, आगे ही रखेगी, उसके लिए अथक प्रयास भी आपकी संतान के द्वारा किए जाएंगे। स्वास्थ्य, छाती के निचले हिस्से में समस्या थोड़ी बहुत बन सकती है, आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कन्या राशि। व्यवसाय, यह तो वह समय है जब आपके बनते हुए कार्यों में परेशानियां एवं रुकावटें आपको पेश आएंगी। अगर आपका प्रमोशन का समय है तो उसमें भी अभी रुकावट बनी रहेगी। इसके साथ आपके मान और सम्मान में भी यहां पर हमें कमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति तो मजबूती रहेगी, साथ ही अगर आप अपना धन का निवेश किसी अच्छी योजना में करेंगे तो वह भी आपके लिए लाभप्रद ही रहने वाला है। प्रेम संबंध, आपके प्रेम संबंधों के लिए आपका जो ग्रह है वो बिल्कुल भी सहायक यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। विवाहित व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। संतान, आपकी संतान के द्वारा जितना प्रयास अपनी शिक्षा प्राप्ति के लिए किया जाएगा मित्रों, उसके अनुसार परिणामों की प्राप्ति होती दिखाई नहीं दे रही है, यानी जितनी मेहनत बच्चों के द्वारा की जाएगी उस हिसाब से परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। स्वास्थ्य, थोड़े बहुत छाती से संबंधित वायु विकार, जिसको कह देते हैं कफ आदि की समस्या बन सकती है, शिकायत पैदा हो सकती है, इस बात कोल्ड वगैरह इस तरीके की शिकायतें, उसका आपको ध्यान रखना है। तुला राशि, इस सप्ताह व्यवसाय की बात कर लें, इस सप्ताह आपका भाग्य आपके साथ ना होने के कारण मित्रों, जो भी समस्याएं आपके अपने कार्य क्षेत्र में पैदा होंगी या आपके सामने आएंगी उनके कारण परेशानियां बढ़ेंगी और उनका समाधान निकालना भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आपको बहुत ही धैर्य के साथ बहुत ही सचेत होकर के कार्य करने की आवश्यकता होगी, बहुत समझदारी के साथ। वित्तीय स्थिति भी कमजोर ही रहेगी, अगर आपको कहीं से आय होनी है तो उसमें भी रुकावट के संकेत हैं, खर्च भी विशेष रूप से रहने वाला है, आप अचल संपत्ति को भी खरीद सकते हैं मगर जिस संपत्ति अचल संपत्ति को आप खरीदेंगे वह डील भी आपको पूर्ण रूप से पसंद नहीं होगी। प्रेम संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है मित्रों, तो प्रेम संबंध तो रहेंगे मगर इन संबंधों में मित्रता कम और कड़वाहट का संबंध जरा ज़्यादा नजर आएगा इस सप्ताह। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों में थोड़ा बहुत तनाव से इनकार नहीं कर सकते। संतान के द्वारा किए जा रहे प्रयासों में अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर मध्यम परिणामों की प्राप्ति होती नजर आती है मित्रों। स्वास्थ्य इस अवधि में सामान्य से ऊपर रहेगा। वृश्चिक राशि।
व्यवसाय आपके अपने कार्य क्षेत्र में रोजगार संबंधित हालात बहुत अच्छे नहीं रहने वाले, आपको अधिक परिश्रम के बावजूद भी मन चाहे आपके अनुसार परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी, साथ ही आपके मान सम्मान में भी या आपके मान सम्मान को भी कहीं ना कहीं कुछ ठेस पहुंच सकती है। वित्तीय स्थिति, जितनी अच्छी आय आपको इस अवधि में होनी चाहिए थी उसमें निश्चित रूप से कमी रहेगी, साथ ही आपके पास जो जमा की हुई जो धनराशि आपने जो की है पूर्व में अपने धनराशि को जमा किया है संचय किया है उसमें अभी से भी कुछ हिस्सा व्यय होने का योग बना हुआ है, खर्चा हो सकता है। प्रेम संबंध, आपके प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी प्रगति होती नजर आती है, वैवाहिक संबंध भी आप बना सकते हैं। जो मित्रों वैवाहिक व्यक्ति हैं उनके जो वैवाहिक संबंध हैं वो भी काफ़ी मधुर रहेंगे इस सप्ताह। संतान, आपकी अपनी संतान के द्वारा बहुत ही शुभ परिणामों की प्राप्ति होने वाली है, विशेषकर शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में। स्वास्थ्य, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर समस्या बनेगी। धनुराशि, व्यवसाय, सप्ताह के आरंभ में आपके कार्य क्षेत्र में हालात आपके अनुकूल रहेंगे, आप अपने कार्यों को बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे, इसके बाद उनमें कुछ कमी अवश्य आएगी मगर शुभता तो फिर भी बनी रहेगी। विदेश की यात्रा आप कर सकते हैं, दूरदराज की यात्रा का योग भी बना हुआ है। वित्तीय स्थिति, आय के साधन बनेंगे लेकिन अपने खर्चों पर अंकुश अवश्य रखें। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों में आप स्वयं को लिप्त नहीं कर पाएंगे किन्हीं भी कारणों से हो, चाहे विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों में काफ़ी तनाव के हालात बन सकते हैं, थोड़ा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, यही हमारा आपके लिए सुझाव है। संतान, इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि इस अवधि में आपकी संतान अपने शिक्षा संबंधित कार्यों में पूर्ण रूप से रुचि ले, इस बात की संभावना यहाँ पर कम नज़र आती है। आप स्वयं यह निश्चित करें कि कहीं आपकी संतान की शिक्षा प्राप्ति में कोई कमी तो नहीं है इस कारण से, तो यह आपको निश्चित करना है। स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहने वाला है इस अवधि में। मकर राशि, व्यवसाय की चर्चा करते हैं। पहले आपके अपने व्यवसाय में अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी, आप उन अवसरों का लाभ उठाकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और ये आपको कुछ विशेष जिम्मेदारी भी यहाँ पर दिए जाने के संदर्भ में हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ पर भी आपका अपना प्रभाव अपने वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उन पर बना रहेगा और इसी कारण ही आपको कुछ नई जिम्मेदारियाँ भी उनके द्वारा दी जा सकती हैं। वित्तीय स्थिति, आपकी वित्तीय स्थिति भी इस दौरान बहुत ही सुदृढ़ रहने वाली है, मजबूत रहने वाली है, लेकिन खर्चों की ही भी कुछ अधिकता यहाँ पर दिखाई देती है, हो सके तो अपने खर्चों को थोड़ा अंकुश लगाएं। प्रेम संबंध, सप्ताह के अंत में आपको अपने प्रेम संबंधों को लेकर उत्सुकता बढ़ेगी और विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों में उतार और चढ़ाव दोनों प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। संतान, आपको इस अवधि में अपनी संतान के द्वारा बहुत ही उत्साहजनक परिणामों की प्राप्ति होने वाली है, विशेषकर उनकी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के। स्वास्थ्य, आप अगर अपने स्वास्थ्य की जांच कराते रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर यह स्थिति ग्रहों के द्वारा कुछ बनी हुई दिखाई देती है कि स्वास्थ्य में कुछ कमी हो सकती है। कुंभ राशि, व्यवसाय के विषय में चर्चा कर लेते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना कार्य बहुत ही सतर्कतापूर्ण तरीके से करें। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय किसी लोन आदि के लिए आवेदन बिल्कुल भी ना करें, यही हमारा आपके लिए सुझाव है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके विरोधी आप पर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे। इस अवधि में आपको मानसिक तनाव भी बन सकता है और तनाव रहेगा भी अपने कार्यों को लेकर। सप्ताह के अंत में आप अपनी तनाव मुक्त अपने आप को महसूस करेंगे, धीरे धीरे स्थिति में जैसे जैसे सप्ताह आगे चलेगा वैसे वैसे स्थिति में भी सुधार होता आपको नजर आएगा। वित्तीय स्थिति, आपको धन की प्राप्ति सामान्य रूप से होगी अगर आप समझदारी से अपनी जमा की गई धनराशि को और बढ़ाना चाहेंगे तो यह कार्य भी आप कर पाएंगे।
और सुख सुविधाओं का भी यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों में आपको इस दौरान सफलता प्राप्ति के योग बिल्कुल भी नहीं है ग्रहों के अनुसार, और वैवाहिक जो व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक जीवन में भी कुछ उथल पुथल की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। ध्यान रहे कि जितना आप इससे बच सकें, बचने की कोशिश करें, आपके लिए उतना ही ये अच्छा रहने वाला है। संतान, आपको अपनी संतान की ओर से निराशा ही मिलने वाली है मित्रों इस सप्ताह, उनकी शिक्षा प्राप्ति के संदर्भ में। इस अवधि में आपकी संतान शिक्षा संबंधित कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। स्वास्थ्य इस पूरे हफ्ते ठीक रहने वाला है आपका, आप अपने आप को पूरी तरह हष्टपुष्ट महसूस करने वाले हैं। मीन राशि, तो मित्रों मीन राशि में सबसे पहले व्यवसाय की चर्चा करेंगे। इस सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होकर कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही उपयुक्त परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। हालांकि आपका भाग्य तो आपके साथ दिखाई देता है, उसके रहते आपको यहाँ पर निराश होने की तो आवश्यकता नहीं है। यह सप्ताह आपके अपने रोजगार एवं व्यापार को लेकर सामान्य से ऊपर अवश्य रहेगा, क्योंकि भाग्य कहीं ना कहीं आपके साथ है। वित्तीय स्थिति, धन की कमी का एहसास आप अवश्य करेंगे, या जो आय आपको होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके साथ धन का हानि का भी योग बना हुआ है मित्रों, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके धन का कहीं हानि ना हो, किसी को उधार ना दें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपसे धन मांग करके ले जाए और वो वापस आपके पास ना आए, तो इस बात का भी योग बना हुआ है धन की हानि का, तो बहुत सतर्क रहें धन को लेकर के। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों के लिए यह समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है मित्रों, अगर फिर भी आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी। विवाहित व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन है, थोड़ी बहुत वाद विवाद की स्थिति कहा सुनी जिसको कहते हैं बन सकती है। संतान, संतान संबंधित भी सामान्य रूप से ही परिणामों की प्राप्ति होने वाली है, आपकी संतान शिक्षा प्राप्ति संबंधित अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएगी, कारण कुछ भी हो सकता है मगर शिक्षा में कमी अवश्य रहेगी। ये आपके इसके आगे बात करेंगे स्वास्थ्य की, आपके स्वास्थ्य पर भी कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपको यहाँ पर सचेत रहने की हमारी सलाह है। तो यह था मित्रों 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, आप 12 राशियों के जातकों के लिए, और यह साप्ताहिक राशिफल 24 जून से और 30 जून तक का था। यह राशिफल जिसकी चर्चा अभी हमने आपके साथ करी है विस्तार से, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही जो हमारा बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको भी आप दबाएं, ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस हैं, नए प्रोग्राम्स हैं, नए कार्यक्रम नोटिफिकेशंस वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप जो हैं उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद, जय माता दी।